नाउ विल वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड, पॉलिनोमियल्स। क्या होता है पॉलिनोमियल्स? लास्ट टाइम हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फैक्टराइजेशन, है ना, और उसी टाइप से जो हमारी इक्वेशंस होती है उसे हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल्स। जो हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जो कि हमने पढ़ा है कि इस फॉर्म में भी होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टू, ठीक है, ये क्या होता है हमारा एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसी को हम पॉलिनोमियल्स कहते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होती है पॉलिनोमियल की डेफिनेशन? एन एलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एक्स, मतलब यहाँ पर एक्स की जगह कोई भी कोफिशियंट हो सकता है, ठीक है, उनके एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म क्या होता है, पी एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स की पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस एक्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ए वन एक्स प्लस ए जीरो, मतलब ये जो फॉर्म होता है हमारा, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, लास्ट टाइम हम पढ़ चुके थे, ठीक है, तो इसमें क्या है, आर कॉन्स्टेंट एंड ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब यहाँ पर जो ये एन है ये क्या जीरो नहीं होना चाहिए, इस कॉल्ड है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, अब इसमें एक बात और है, जो ये पी एक्स है इसमें जो ये एक्स है हमारा, ठीक है, आर द रिस्पेक्टिवली कॉल्ड द कोफिशियंट ऑफ, मतलब जो पॉलिनोमियल होता है हमारा, जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है उसमें ये जो एक्स है, यहाँ पर जो एक्स है इसे हम क्या कहते हैं, उसका कोफिशियंट, ठीक है, एंड एक्स की पावर जीरो एक्स की पावर वन एक्स की पावर टू एक्स की पावर एन, ठीक है, एंड एन इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें जो यहाँ पर पावर होती है इसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं, किसकी, पॉलिनोमियल्स की। ठीक है, नंबर वन है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिमर्स, हमें ये बताना है कि ये जो एक्सप्रेशंस दे रखे हैं हमें क्वेश्चन में वो पॉलिनोमियल्स है या नहीं है, इज वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, कंडीशन है वन वेरिएबल होना चाहिए और नहीं है, तो स्टेट रीजन फॉर योर आंसर, तो इसमें आंसर में हमें क्या करना है, रीजन भी देना है। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास में, फोर एक्स का स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस सेवन, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन हमारे पास में कोफिशियंट क्या है, एक्स, दोनों जगह सेम कोफिशियंट है, एक्स एक्स कंडीशन हो गई, तो ये क्या हो गया, यस दिस एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल इज एक्स, वन वेरिएबल कौन सा है हमारे पास में, एक्स, एंड ऑल द इंडिज द एक्स इज होल नंबर, इसमें एक्स क्या है हमारे पास में, होल नंबर, होल नंबर क्यों है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, वन टू, है ना, वन और टू है पावर, तो वन और टू क्या है हमारा, होल नंबर है, तो इसलिए यस। अब इसी का हम थर्ड देखेंगे, क्या दे रखा है, थ्री अंडर रूट टी प्लस टी अंडर रूट टू, तो यहाँ पर कोफिशियंट तो एक है हमारे पास में टी, ठीक है, बट जो थ्री के साथ में हमारे पास में टी वो क्या है, अंडर रूट, तो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट पॉलिनोमियल, क्यों नहीं है, बिकॉज इन द टर्म थ्री अंडर रूट टी द एक्सपोनेंट ऑफ टी, टी की पावर क्या है यहाँ पर, वन अपॉन टू, विच इज नॉट ए होल नंबर, तो ये क्या है हमारा, होल नंबर नहीं है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें जो नेक्स्ट है हमारे, यहां पर आपका होमवर्क हो जाएगा, होमवर्क में क्या हो जाएगा, सेकेंड फोर्थ एंड फिफ्थ, तो आपको इसी बेसिस पर इसी का फर्स्ट का सेकेंड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट सॉल्व करना है, कुछ समझ में नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, आपको एक्सप्लेन कर दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, राइट द कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर,
हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट बताना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग जो हमें गिवन डेटा क्वेश्चन में, फर्स्ट क्या है एक्स सॉरी टू है, टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो हमें इसमें क्या करना है सिर्फ एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट बताना है। एक्स स्क्वायर यहां पर है हमारे पास में, अब इसके साथ में कोफिशियंट क्या है, कुछ भी नहीं है। बट यदि हम किसी भी नंबर्स में वन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यूज चेंज नहीं होती है। तो हम यदि इसे इस तरीके से लिखे वन इंटू एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या है एक्स स्क्वायर, यही होगा, कोई चेंजेस है नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा कोफिशियंट वन, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कोफिशियंट माइनस वन। यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर के साथ में पाई अपॉन टू, तो इसका कोफिशियंट क्या हो जाएगा पाई अपॉन टू, ठीक है, आया समझ में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर टू, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे तो उसमें हमें डिग्री 35 लेके एग्जांपल बताना है एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। मोनोमियल में क्या डिग्री होनी चाहिए 100 होनी चाहिए एंड बाइनोमियल में 35 डिग्री होनी चाहिए। तो बाइनोमियल हमें पता है दो एक्सप्रेशन होना चाहिए उसमें इक्वेशन में, एंड मोनोमियल मतलब वन, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे बाइनोमियल, और तो हम सबसे पहले देंगे बाइनोमियल का एग्जांपल। बाइनोमियल ठीक है, तो बाइनोमियल इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो यहां पर हमें पावर क्या दे रखी है उसने 35 डिग्री, पावर क्या होती है, पावर को हम क्या मानते हैं डिग्री, तो ये हो गया बाइनोमियल का एग्जांपल x की पावर 35 प्लस 10। इसी तरीके से यदि मोनोमियल का एग्जांपल देंगे हम, ठीक है, मोनोमियल का एग्जांपल देंगे डिग्री कितना बोला उसने 100, तो हम इसको मान ले 10 x की पावर 100, या 10 की जगह कुछ भी ले सकते हैं, यहाँ पर भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये इस तरीके से बाइनोमियल और मोनोमियल्स के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पास में, जो क्वेश्चन दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने उसे सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, राइट द डिग्री ऑफ इज द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या करना है इसमें डिग्री बताना है, जो भी हमें पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं, एक्सप्रेशन जो दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखा है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो इसमें हमें क्या करना है पॉलिनोमियल्स की डिग्री बताना है। तो हमारे पास में डिग्री क्या हो जाएगी इसकी, ठीक है, टर्म विथ द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ठीक है। इसमें क्या है हमारे पास में हाईएस्ट पावर 3 है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल कितनी हो जाएगी 3, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 3। इसी तरीके से हम सेकेंड की देखेंगे, तो सेकेंड में क्या हो जाएगा डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, इसमें क्या है 2, क्या है हाईएस्ट पावर 2, तो इसकी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो गई 2। इसी तरीके से होमवर्क में इसी का थर्ड एंड फोर्थ सॉल्व करना है, ठीक है। क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, हमें क्या करना है क्लासिफाई करना है जो हमें दे रखे हैं एक्सप्रेशन उसमें से, कि लीनियर कौन सा है, क्वाड्रेटिक कौन सा है, क्यूबिक कौन सा है, क्यूबिक, ठीक है। इसमें पहचानने का एक आसान तरीका, क्यूबिक का मतलब क्या होता है 3, ठीक है,
क्वाड्रेटिक मतलब टू, लिनियर मतलब वन, तो इसी बेस पे हम करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या गिवन रेट है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, कैसे देखना है हमें, ठीक है। तो इसमें जो वेरिएबल है हमारा उसकी पावर कितनी है मैक्सिमम, टू, ठीक है। टू जो है वो क्वाड्रेटिक में आएगा, ठीक है। ये कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। इसी तरीके से बात करें हम सेकेंड की, सेकेंड क्या दे रखा है हमें, x माइनस एक्स का क्यूब, ठीक है। इसमें पावर क्या दे रखी, डिग्री क्या है हमारी, थ्री, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक, ठीक है। इसी तरीके से हम बात करें फोर्थ की, तो फोर्थ क्या गिवन डेटा में, वन प्लस एक्स, तो यहां पर एक्स की पावर क्या है, वन, क्या है पावर, वन, तो ये क्या हो जाएगा, लिनियर, ठीक है। तो ये आ गया समझ में आपको, अब आपका होमवर्क हो जाएगा इसमें, इसी का थर्ड एंड फिफ्थ सिक्स एंड सेवन, ये चार आपको होमवर्क में करना है। ये यहाँ पर समझ में आ गया आपको, यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 2.1 का एंड हो चुका है।